गुड इवनिंग टू एवरी वन वेलकम टू ऑल लेट्स स्टार्ट शुरू करेंगे आज की क्लास एक्चुअली uh, थोड़ा सा uh, टेक्निकल एरर थी इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया uh, तो uh, चले uh, शुरू करेंगे आज की क्लास अभी ऑडियो वीडियो सब क्लियर हैं uh, तो अभी जो है uh, देख लेंगे भाई थोड़ा सा इसको मैं बता दूँ ये जनरल साइंस का और इन्वायरमेंटल साइंस का है ना यानी इन्वायमेंटल स्टडीज़ का दो बैच आए हुए हैं एंड कॉम्बो बैच भी एक साथ अवेलेबल है तो आप टारगेट बिल का जो एप्लीकेशन है नया वाला उसको डाउनलोड करके आप चाहें तो मेरे साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और ये फाउंडेशन बैच है इंडिया के सभी एग्जाम अप टू आई लेवल तक का इसमें रहेगा चाहे वो इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो ठीक है ना ओके uh, okay, तो आप ले सकते हैं इस बैच को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है आप चाहें तो ले सकते हैं भी डिस्काउंट के साथ ही एंड ये इस टाइप का लोगो होगा है ना प्ले स्टोर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ दो एप्लीकेशन दिखाएगा तो जो न्यू वाला है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है वो वाला ले लेंगे और ये भाई किताबें हैं और सारी जो किताबें थी जिनका है ना इंतजार था काफ़ी दिनों से इस पे काम चल रहा था ठीक है तो आप ये किताबें ले सकते हैं जो आई एस पी सी एस लेवल तक की या फिर जो कम्पटिटिव एग्ज़ाम है हमारे और बाकी ठीक है उसके लिए आप ये ले सकते हैं आई एस पी सी एस बी पी एस सी आर पी एस सी आर ओ आर ओ एन डी एस सी डी एस एफकेट सी ए पी एफ एस एस सी सी जी एल सी एस एस एल है ना आर आर बी एन टी पी सी जे ठीक है इन सब के लिए आप ये वाली किताब ले सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में अवेलेबल है ये अमेज़न पे है ये वाली अभी ये बाकी बुक जो है वो अमेज़ॉन पे दो चार दिन में आ जाएंगी बट अभी प्ले स्टोर से आप जो टारगेट विल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं किताबों की जो है इस जो काम चल रहा था वो आ गई हैं देन जो लोग आप में जो टी जी की तैयारी करने वाले हैं ना जो सिक्स टू एट या फिर जो है वो नाइन टू टेंथ है ना या फिर जो है अलेवन टू ट्वेल्थ की तैयारी करने वाले हैं खास करके जो टीचिंग की है उसके लिए भी क्या है ये पी जी टी और टी जी टी बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें पचास प्रैक्टिस सेट हैं विद एक्सप्लेनेशन है ठीक है ना विद एक्सप्लेसन इसमें फिफ्टी प्रैक्टिस सेट्स हैं है ना आप चाहें तो ले सकते हैं इसको और कहाँ से टारगेटेबल के प्ले स्टोर उसमें जाएँगे एप्लीकेशन में तो स्टोर वाले सेक्शन से आप ले सकते हैं ठीक है तो ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग हैं आप चाहें तो उनको ले लें देन पर्यावरण अध्ययन जो इंडिया के सभी एग्ज़ाम हैं खास करके टीचिंग वाले जो एग्ज़ाम है एक्चुअली टीचिंग के लिए है ये है ना तो ये जो है आई एस पी सी एस लेवल की किताब नहीं है आई एस पी सी एस का एक अलग ही दायरा होता है तो आई एस पी सी एस का इन्वॉर्मेंट वाली ये किताब नहीं है ये आपका जो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है ना वो सारे आप उनके लिए ले सकते हैं जैसे बिहार है टीचिंग हो गया के बी एस एन बी एस एन टी टी ए डब्ल्यू एस ए पी एस या मैं EMRS TET सुपर टेट सुपर टेट, टेट जूनियर है ना इन सब के लिए है यू जी नेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह उनके लिए आप ये ले सकते हैं ठीक है ना और ये जो सामान्य विज्ञान की किताब है ये वाली ये रैपिड प्लस के नाम से है सारी ये जो किताबें हैं रैपिड प्लस रैपिड प्लस के नाम से देखिएगा पुरानी किताब है जो है अपडेशन के साथ हैं इसमें फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी है टीचिंग के जितने भी एग्जाम है टीचिंग के जितने भी एग्जाम है वो इस वाली किताब को ले सकते हैं जिन्होंने ये किताब ले ली है तो कोई बात नहीं कंटेंट जो है थ्योरी वाला एक जैसे ही है बस इसमें प्रैक्टिस सेट्स का फर्क है तो आप इन किताबों को ले सकते हैं जो डी प्लेस भी के लिए बिहार टीचिंग के लिए आ, सभी के लिए है ना के वी एस एन वी एस एन टी टी ए डब्ल्यू एस ए पी एस है ना ये सब रीट वगैरह एस्टेट जूनियर्स है ना जी आई सी जी आई सी मेरे ख्याल से स्पेशल लिखने से रह गया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है ना लिखा छूट गया इसमें तो लोग अगले वाले पे लिखवा देंगे हाँ ठीक है तो ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में किताबें अवेलेबल हैं ठीक है चलिए तो आज का जो पहला सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पर हाँ अभी जो है ये प्ले स्टोर उस पर मिल जाएगा और टारगेट बिल के एप्लीकेशन पे ये किताबें मिल जाएंगी और ठीक है तो इस पर जो है कई साल से जो है इस पर काम आ, चल रहा था है ना कि भाई इम्प्रूवमेंट हो कुछ क्वालिटी को एनहेंस किया जाए और ठीक है तो वही था चलिए वीडियो को शेयर वेयर कर दें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और क्या है वो डज एक्सल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ जो एक्सल स्केलेटल सिस्टम होता है वो आ, उसमें क्या क्या लगा होता है किस चीज का बना है ठीक है यही आपको बताना है तो चलिए जल्दी से आंसर करिए अनिशा कुमारी बेटा मैं ही आऊंगा ना लो मैं ही आऊंगा वहां पर भी और मैं ही आऊँगा वहां पर भी ठीक है हाँ ये तो फाउंडेशन वेच बेटा यहाँ पर और जो बाकी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो वहीं पे रहेंगे ये तो उनके लिए है जो है ना सभी जो अपने बेस को बढ़िया करना चाहते हैं उन सब के लिए ओके नायब मिर्जा वेलकम तो यहाँ पर अक्षय कंकाल में क्या है आता है बर्डिबरल कॉलम आता है रिप्स एंड स्टर्नम पसलियां और जो है पसलियां और उपस्थिया आती हैं या फिर जो है ओलोधे ये सारे आते हैं बुक की कीमत बेटा एक जेन्यून प्राइस में है है ना उस हिसाब से सर uh, अमेज़न पर मिल जाएंगी बुक आरती अमेजोन पे हाँ वो वाली दोनों आप बुक ले सकते हैं और ठीक है लेकिन वो टीजीटी पीजीटी का या सी एस आई आर नेट के लिए जो आप लेना चाहेंगे है ना तो वो अभी आपको प्ले स्टोर इसमें मिलेगी और टारगेट विल एप्लीकेशन पे मिलेगी अभी अमेजन पे आने में चार पाँच दिन का वक्त लग जाएगा उसमें है ना तो यहाँ पर जो है सी आंसर डी आंसर है चलिए जिसकी जो भी क्वेरी है वो सेशन के एंड में प्लीज पूछ लीजिएगा या फिर जो है टारगेट ये टेलीग्राम पर मेरा चैनल है आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें या फिर जो है वाट्सएप पर भी जो है आजकल टेलीग्राम का ऑप्शन आ गया है तो उस पर भी क्या है व्हाट्सएप पर आप डॉक्टर साजिद अली के नाम से आप सर्च कर लेना आ, ओके मिल जाएगा और ब्रैकेट में लिखा होगा टारगेट विल ठीक है टारगेट विल तो आप जो है व्हाट्सएप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला अच्छा खासा सेफ है क्यों सेफ है क्योंकि आप इसमें एक दूसरे को पर्सनल मैसेज नहीं कर पाते हैं कुछ होते ना एक दूसरे को पूछ रहे होते हैं हाय है ना हाई नेहा तुम भी तैयारी कर रही हो क्या एक दूसरे से जो बातें करना शुरू कर देते हैं ना वो नहीं कर पाओगे यहाँ पर ठीक है हाँ सुष्मिता बेटा अभी देख लेना मोस्ट प्रोबेबली मैं ही आऊँगा ज़्यादातर चांसेस मेरे ही आने के हैं ठीक है चलो तो अभी देखते हैं जैसा भी होगा <coughs> तो देखिए जो हमारा एक्जल स्किल सिस्टम है ये 80 बोन का बना होता है 80 बोन्स का याद रखेगा शरीर के नाजुक अंगों की हिफाजत के लिए शरीर में जो नाजुक नाजुक अंग हैं उनकी हिफाजत के लिए ठीक है तो जो हड्डियाँ होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एक्जल बोलते हैं और जो टांगे वाली हैं टागें है, हमारी हाथ पैर हैं है ना या फिर जो है हमारे आ, क्लेविकल्स हैं या स्केपुला है या, या पेल्विक बोन्स हैं ये 126 ट्वेंटी सिक्स बोन्स जो होती हैं वो हमारे किस में होती हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में होती हैं क्लियर ना तो आप ये देख लो इस कंकाल को किस बात का गुरूर है यही सब आदमी के अंदर जो है यही सब है ठीक है ना जो होता है ना बड़े खुश होते रहते हैं ना मेरी ऐसी बॉडी है मेरे यहाँ पे तिल है देख लो अंदर से ऐसे ही सामान निकलेगा मटेरियल ऐसे निकलेगा अगला है द नेम लॉन्गेस्ट नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवियस्ट बोन ऑफ द बॉडी शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी का नाम बताइए हड्डी मतलब अस्थि का नाम बताए अस्थि है ना हड्डी का मतलब क्या है अस्थि ठीक है अस्थि ठीक है चलो सभी का मैंने वो किया है बेटा आप जो है जिसको ढूंढना होगा वो ढूंढ लेता है <coughs> हम्म चलो ऑप्शन है आपका फीमर हिंदी में भी इनको जो है फीमर कहेंगे इसको फिबला को आप फिबला ही लिखा पाएंगे ठीक है टिबिया को टिबिया ही लिखा पाएंगे तो आप जो है टिबिया ऐसी याद रखेगा और इलियम को जो है आप इलियम कहेंगे तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो इलियम है वो तो बोन ही नहीं है है ना इलियम एशियम और जो है आपका इलियम हाँ बोन है इलियम एशियम और प्यूबिस बोन है बोन है ठीक है तिन में बताना है कौन सा सही आंसर है हाँ वो तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है फीमर है जांग की जो हड्डी होती है और याद रखना पूरी बॉडी का वेट हमारे नीचे वाली टांग नहीं मतलब जो है टांग का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जांग वाला वो हमारी पूरी बॉडी को क्या है ये बर्दाश्त करता है पूरी बॉडी वेट को हमारी बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है आ, कि हमारी जागे बर्दाश्त करती हैं उसे वन मोर थिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी यानी जो लंबी है वो भी है और लार्जेस्ट मतलब क्या हो गया सबसे बड़ी सबसे बड़ी बोन भी यही है सबसे बड़ी अस्थि भी यही है याद रखेगा सबसे बड़ी अस्थि भी यही है ठीक है हाँ सबसे बड़ी अस्थि है उसके अलावा एक चीज याद रखेगा कि सबसे स्ट्रोंगेस्ट बोन भी यही है अब एक चीज में बता दूं कि स्ट्रोंगेस्ट बोन है है ना सबसे भारी अस्थि तो याद रखना सबसे भारी अस्थि है जो लोग जबड़े की अस्थि को अक्सर जो है क्लास में डिस्कस करते हैं कि जबड़े की हड्डी सबसे जो है मजबूत है बेटा जबड़े की हड्डी सिर की हड्डियों में सबसे ज्यादा मजबूत है टोटल बॉडी में सबसे ज्यादा मजबूत नहीं है ठीक है बेटा एम डी कुर्बान अली ये उस सब के लिए है उस सब के लिए है मैंने बताया ना अप टू आई लेवल तक के लिए है ये आई एस पी हो ट्रिपल एस वी हो कोई सा भी हो आपका एस हो सी हो आर हो एंटी सब के लिए है टू दैट आपने थमनेल पर नहीं देखा सभी एग्जाम के लिए लिखा हुआ है ठीक है ना चलो तो ये हो गया अगला सवाल हाँ तो देखो ये वाली जो हड्डी होती है हमारी जांग में जो हो, ये वाली हड्डी फसव हुई होती है 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 ना ये तरह से करके फंस हुई होती है ना इसे इस टाइप से तो किस बात का घमंड है यही सब होता है ठीक है तो ये जो हमारी हड्डी होती है अच्छी खासी मजबूत होती है एक स्टांग में दी है और एक स्टांग में दी है अगर किसी की टूट जाए तो औकाश समझ में आ जाती है कि इंसान है क्या चीज है ना तो ये वाली जो हड्डी है ये हमारी थाइबोन भी कहलाती है ठीक है ना चलो जो थिनेस बोन होती है, जो सबसे आ, पतली बोन है वो कौन सी है पतली बोन कौन सी है ऑप्शन है आपका स्टेपीज है, है मेलियस है, देन क्या है इंकस है देन क्या है फिबुला है तो वट शुड बी द आंसर मानव शरीर की सबसे जो पतली अस्थि है उसका नाम क्या है ठीक है चलो निशा कुमारी गुड इवनिंग आ, ओके आरती विक्रांत सुष्मिता मित्रा चलिए रिया कुमारी बेटा बार बार एक ही महसूस को आप ना करें जिसकी जो भी क्वेरी है वो सेशन के एंड में हम जो है दो तीन मिनट बात करेंगे उसमें जिसको जो पूछना होगा वो पूछ लेना है ना ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है मजा नहीं आता ठीक है चलो अभी पढ़ लेते हैं तो देखिए हमारा जो आ, नीचे का टांग का नीचे का हिस्सा होता है उसमें दो हड्डियां होती हैं अंदर वाली का नाम होता है टिबिया और बाहर वाली का नाम होता है फिबुला टिबिया फिबुला कितने मस्त नाम है टिबिया फिबुला याद रखिएगा जो फिबुला बोन होती है हमारी बॉडी की सबसे पतली अस्थि होती है टिबुला है ना सॉरी फिबुला फिबुला जो होती है टिबिया अंदर की साइड में होती है घुटने में अंदर की तरफ वो टिबिया होती है और बाहर वाली की जो होती है फिर देखो कितने मस्त मस्त नाम होते हैं ह्यूमरस यहाँ पे एक हड्डी होती है इसका नाम होता है ह्यूमरस फिर यहाँ होती है रेडियस ह्यूमरस रेडियस अल्ला यहाँ पे नाम होती है कॉर्पल्स है ना ये वाली जो कलाई की हड्डी होती है कॉरपल्स यहाँ वाली जो होती है जो हथेली में ये वाली होती है मेटा कॉर्पल्स उंगलियों में होती है फिलेंजेस तो कितने मस्त नाम है ह्यूमरस रेडियस अल्ला कॉर्पल्स मेटा कॉर्पल्स फलेंजस एक बोन का नाम जो है मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो एक बोन का नाम गिना दूंगा कि कौन सी काम होती है इसी तरह से टांग में के नीचे की तरफ हम जाए हाँ तो ऊपर वाली हड्डी का नाम है फीमर फिर एक गोल गोल सी कटोरी होती है हमारे घुटने में उसका नाम होता है पटेला फिर अंदर की साइड में जो नीचे का घुटना है तो मतलब नीचे की टांग है तो घुटना कह लीजिए तो उस साइड में अंदर की साइड में जो होता है उसका नाम होता है टिविया बाहर वाली का नाम होता है फिवला फिर आगे जैसे हमारे यहाँ कलाई में हड्डी है पैर में भी होती है उनका नाम होता है कॉरपल्स बस फर्क कितना है इसको बोला कोरपल्स सॉरी उसका नाम है टोरसल्स उसका नाम है टोरसल्स इनका नाम है कॉर्पल्स फिर जैसे पंजे में तीन इनका नाम क्या था मेटाकार्पल्स तो पैर के पंजे में जो हड्डियां होती हैं उनको हम बोलते हैं मेटाटार्सल्स उंगलियां चाहे वो हाथ की हो या पैरों की हो कहलाती हैं फिंगर्स ठीक है हां फिंगर्स समझ रहे हो ना हां तो एक एकक बोन का नाम इस तरह से आप गिन लोगे कि कौन सी होती है मैंडिबल कहां होती है मैक्सिला कहां होता है ठीक है ऑक्सीपिटल कहां होता है है ना कहां होती है टेम्पोरल कहाँ होती है सब है ना हेड बॉडी कहां होती है, एक -एक है, 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 है बोन तो तो इसका नाम होता है फिबुला और एक अंदर की साइड में होती है शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी यहाँ पे जो लगी होती है इसका नाम होता है क्या आ, टिबिया टिबिया, टिबिया फिबुला तो ये दो हड्डियां होती है नीचे की साइड में समझ रहे हैं ना हाँ जी ठीक है तो अगला है आगे चलते हैं नेम द मसल दैट एक्ट इन द ओपोजिशन टू ईच अदर उन उस मसल का नाम बताएं जो एक दूसरे के अपोजिट में काम करती है हाँ क्या है मधुबी भिन सर इतना प्यार से हड्डियों का नाम बता रहे हैं जैसे आ, ठीक है मैडम को बुला रहे हैं क्या बात है <laughs> तो नेम द मसल दैट एक्ट इन अपोजिट टू ईच अदर उस पेशी का नाम बताइए मास्क या पेशी, है, पेशी है की बात होती है टारगेट विल एप्लीकेशन पे पढ़कर सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है वेरी गुड कीप इट अप आरती पढ़ते रहो मेहनत से आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी मेहनत से मैं भी पढ़ा रहा हूँ आप भी पढ़िए तभी कार्बा बनेगा तो कार्डिक मसल्स हृदय की मांसपेशियां जो एक दूसरे के अपोजिट में काम करती हैं उन मसल्स को हम क्या नाम दे देते हैं ऑप्शन आपका है कार्डिक मसल देन का स्केलेटल मसल देन का एंटागोनिस्टिक मसल या फिर जो है आ, क्या है स्ट्रिपेडियस मसल तो शुड बी द आंसर क्या आंसर यहां पर होना चाहिए ठीक है चलो मेहनत करते रहिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और ओके आगे बढ़ते रहिए जहां घमंड आ गया इंसान को कि हमने बहुत कुछ सीख लिया जब इंसान को ऐसा लगने लगे कि मुझे ही सब कुछ आता है ठीक है तो फिर समझ लेना मामला खराब है हम्म देखो कुछ लोग अभी भी टे, टे, टेलीग्राम चैनल पे बकवास कर रहे हैं मैंने चैनल बंद नहीं किया है ये लोग वो लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते और ये फिर ढूंढते हैं कि हमारा जो है अल्लाह ने ईश्वर ने भगवान ने साथ नहीं दिया मेरा तो नसीब ही खराब है मैं तो धरती पे बोझ हूँ तो जब मेहनती नहीं कहोगे करोगे तो मतलब अभी भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने उसको बंद नहीं किया है तो बकवास चल रही है है वहां पर लेकिन क्या है? पढ़ने के नाम पर जीरो सफलता का शॉर्टकट चाहिए होता है लोगों को एक्चुअल में क्या है ना कि लोग मरना नहीं चाहते लेकिन क्या है जन्नत पाना चाहते हैं और आप सब जानते हैं जन्नत पाने के लिए स्वर्ग पाने के लिए मरना कंपल्सरी होता है तो ठीक उसी तरह से सफलता पाने के लिए मेहनत करना कंपलसरी होता है या तो भाई दादा परदादा ने खानदान में जो है इतनी मेहनत की होती है फादर बड़ी पोजीशन पर होते तो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा करके चिपकवा देते क्योंकि इंडिया में ऐसा चलता है कहीं कहीं ठीक है किसी किसी उसमें लेकिन मेहनत नहीं करेंगे समझ रहे ना मेहनत नहीं करेंगे फालतू की बातें करवा लीजिए हाँ इंडिया में आप अक्सर देखिएगा है ना इंडिया में देखना है कि लोग सफलता का शॉर्टकट ढूंढते हैं पढ़ने नहीं चाहते चाहेंगे कि जो है आराम से उनका ऐसी सिलेक्शन हो जाए आ, कुछ लोगों को देखना तो बस में बैठते हैं और बस में बैठे हुए वहां पर एक चिट लग रही होती है और उस चिट पे लिखा होता है मन चाही शादी आ, है ना मन चाहिए शादी सोतन से छुटकारा प्रेम में ना मिल रही सफलता गृह क्लेश वसीकरण दूसरे के प्रेम को जो है अपने बस में करना अपने वाले को दूसरे के में कर देना ठीक है पड़ोसन को है ना ठीक है इस तरह से पति को दस्त कर देना दूसरे के पड़ोसन के है ना इस तरह के का काज है, है ना और इस तरह से मंत्र तंत्र घर में दबोवी माया निकलवाए निकलवाए सिर्फ जो है कि, इक्कीस हजार रुपए में और इनके पते देखना ऐसे मिलेंगे है ना रोज शुक्रवार शनिवार मिले बस स्टैंड के सामने पुलिया के पीछे गली नंबर दो बाबा तूफानी और अक्सर लोग जो है इनमें यकीन रखते हैं और उनको लगता है कि कोई चमत्कार होगा ऐसा अगर चमत्कार होता तो फिर जो है लोग इसी तरह से आई बन गए होते हाँ लोग जो है आईएस बन गए होते हाँ इस तरह से और क्या हाँ होता है ना इस तरह से तो उस पेशी का नाम बताएं तो क्या होगा कार्डिक मसल है हृदय की मांसपेशियां हाँ ग्रह क्लेश वसीकरण हाथों में न रुक रहा पैसा हाथों की लकीरों में पैसा नहीं रुक रहा हाथ में पैसा रहे भाई जो कमाई गई ना आमदनी अठन्नी है खर्चा रुपये है तो कहां से बचेगा फालतू की बात कर रहा है ठीक है चलो <clears throat> तो कार्डिक मसल है या क्या है तो यहां पर देखिए एक दूसरे के जो अपोज में काम करती है वो क्या है एंटागोनिस्टिक मसल क्या है एंटागोनिस्टिक मसल आप देखिएगा कहीं ना कहीं तो एक दूसरे के जो अपोजिट में काम करने वाली मसल्स हैं जब एक फैलती है तो दूसरी सुकड़ती है है ना तो इस तरह से जो है काम चल जाता है मैं अक्सर देख रहा हूं है ना बगवाह चल रही है वहां पे ये अपलोड नहीं किया इतने सिलेक्शन हो जाएगा क्या कुछ लोग तो सच में ऐसे हैं जिनके जो है अट्ठारह अट्ठारह नंबर आ रहे हैं और वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका बीपीएससी में सिलेक्शन होगा अट्ठारह नंबर पे अगर ये कह दो आखिर जो है इनका अट्ठारह नंबर में आज जो है हो जाएगा तो बड़ा अच्छा टीचर है और साफ मना कर दे कि सवाल ही पैदा नहीं होता अट्ठारह नंबर में सिलेक्शन होने लगे तब तो फिर जो हो गया देश का कल्याण तो बुरा लग जाएगा पढ़ना पढ़ाना कुछ है नहीं आता जाता कुछ है नहीं तो ये दिक्कत होती है एक तो पढ़ना नहीं चाहते देखिए जो एक ये मसल है और इसके अपोजिट में जो है ये वाली मसल है जो अंडा सा निकल जाता है ना आपका ये वाला वाई तो देखो ये वाला होता है वाई खैर इतना नहीं है और पीछे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइ से तो जब ये फैलता ये जब सुखड़ता है तो ये फैल जाता है और जब ये फैल होता है सुखड़ता है तो ये वाला फैल जाता है ये ट्राई सेप से बाई सेप इसी तरह से हाथ में ऐसे देखो अपोजिट एक दूसरे के जो काम करेंगी ठीक है ठीक है चलो तो ये समझ में आगे बात ये यह हो गए इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट में मसल्स काम करती हैं नेम द स्मॉलेस्ट मसल आपको बताना है जो सबसे आ, छोटी मसल है उसका नाम क्या है और ठीक है सबसे छोटी मसल क्या है बेटा मैं ऋषभ आप बाद में मैसेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा मैंने आपको पहले ही बोल दिया आप पहले पढ़ लीजिए पहले पढ़ लीजिए उसके एंड में एंड में हम डिस्कस करेंगे प्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो अभी जरा यहाँ पे सन नेम द स्मॉलेस्ट मसल सबसे छोटी पेशी का नाम बताइए ऑप्शन है आपका आ, ये ग्लूटियस मैक्सिमस होगा है ना नहीं गटर्स जो है मैक्सिमस है ये और ठीक है एंटागोनिस्टिक है या फिर स्टेपेडियस है तो देखा जाए तो ग्लूट्रस मैक्सिमस लिखा है ये ग्लूटियस मैक्सिमस होता है चलो खैर छोड़ दो आप पढ़ लो यार क्लास डिस्टर्ब होती है भैया औरों को दिक्कत होती है और मुझे भी होती है आ, क्लास के एंड में हम डिस्कस करेंगे बीच में कोई डिस्कस नहीं होगा ठीक है चलो वेरी गुड नहीं तो देखो यहां पे जो सही आंसर है सबसे छोटी पूछी गई है तो स्टेपेडियस हो जाएगी ये एक होती है स्टपीज वो हड्डी होती है याद रखेगा जो स्टपीज होती है वो हाँ स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी क्या है कान की हड्डी है और स्टेपेडियस जो है वो स्मॉलेस्ट मसल है कान की ही मसल है होती मसल है ये स्मॉलेस्ट मसल है लेकिन होती कान में है लेकिन ये मसल है और ये जो है बोन है स्टेपेडियस ये जो होती है सॉरी स्टेपीज जो है वो हड्डी है और सबसे छोटी हड्डी होती है दोनों का मिलता जुलता

हाँ पढ़ लो यार मैं अब इसका आंसर जो है आखिर में करूं आखिर के मिनट हम डिस्कस कर लेंगे तब तक आप जो है पढ़ भी लो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब होने लगती है तो अगला है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर कैटेगराइज इन द रेड एंड व्हाइट मसल्स आपको बताना है कि, कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गित किया जाता है ठीक है ध्य बेटा बाद में पूछ लेना तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों और लाल सफेद मांसपेशियों को वर्गित किया जाता है किसकी वजह से ऑप्शन है आपका सार्कोप्लाजमिक रेटिकुलम पूरा नाम होता है सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम क्या है मायोग्लोबिन देन है या फिर जो है नन ऑफ दी अब इनमें से कोई सा भी नहीं शुड बी द आंसर क्या सही आंसर यहां पर होना चाहिए हम्म <coughs> तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है ठीक है देखो यहां पर इस चैनल पे आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जनरल साइंस में फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू यूपीएससी लेवल उसके अलावा आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल साइंसेस ठीक है उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट करंट अफेयर ठीक है उसके अलावा जोलॉजी बॉटनी ऑप्शनल है ना एंथ्रोपोलॉजी इतनी चीज़ें मैं अकेला पढ़ा सकता हूँ अकेला पढ़ाऊंगा तो इस पर इतनी चीज़ों का समाधान के लिए कम से कम इन्वायरमेंट और जो है साइंस एंड टेक और जनरल साइंस के लिए तो आप इस चैनल को ये मान करके चलना है कि एक दिन देखना कि कोशिश करेंगे कि इंडिया का टॉप चैनल खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जनरल साइंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए यही हो बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है और एक दिन देखिएगा देखते देखते इंडिया के टॉप चैनल में ये आएगा जिसमें जो है साइंस ऐसा भरोसा है मुझे ये ठीक है एक भरोसा है और कोशिश करेंगे है ना कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है बस आप लोगों का यूं ही सपोर्ट चाहिए ऐसे ही आप शेयर वेयर करते रहें और आप देखिएगा देखते ही देखते जो है यही एक चैनल जाना जाएगा जो खास करके है ना जनरल कॉम्पिटिशन के जो आपके साइंस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई वगैरह का है ना वो सारा यहाँ से कवर अप होगा तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है आपका मायोग्लोबिन जिस तरह से ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से उसी तरह से मायोग्लोबिन की वजह से क्या है मांसपेशियों का हमारा लाल रंग होता है तो मांसपेशियां जो तो लाल है, है जो हमारी हड्डियों पर चिपकी हुई होती है या फिर जैसे कि आप ये देख रहे हैं लाल लाल सा तो ये सारी मसल्स हैं और मसल्स लाल कलर की ही नजर आती हैं और लाल नजर क्यों आती हैं क्योंकि ये आती हैं मायोग्लोबिन uh, की वजह से देखिए जहां पर भी पिगमेंट वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है पिगमेंट का मतलब होता है कलर प्रदान करने वाला जैसे मैं कहूं पेड़ पौधों का रंग लाल क्यों है पत्तियों का रंग हाँ जो है वो लाल नीला पीला हरा गुलाबी देखिए कई तरह की पत्तियां होती हैं मैंने बताया होगा आपको आ, ठीक है हाँ जी ठीक है तो यहां पर देखिएगा याद रखेगा तो मायाग्लोबिन होगा अब जैसे हीमोग्लोबिन है हीमोसाइनिन है मैंने आपको बताया होगा ओक्टोपस का जो रंग होता है ठीक है जो

नाम बताया था अगर आपने कायदे से सुना होगा तो उस बोन का आप नाम बल, बता सकते हैं à, क्या बोलते हैं हेमेट बोन होती है आ, ठीक है हेमेट, हम, होती है आ, ठीक है दूसरा है आपका गडल होती है जिसको आप बोलते हैं मेखला मेखला या फिर जो है फिलेंजिस होती है फिलंजिस अगर आपने जरा भी कायदे से मेरी बात को गौर से सुना होगा तो फिर जो है आप बता सकते हैं या फिर क्या है मेटाकार्पल्स होती है मेटाकार्पल ठीक है मेटा कार्पल तो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हाँ पूजा भारती थैंक यू हाँ ज़रूर देखिएगा बस ये है कि थोड़ा सा इस पर मेहनत की जाएगी और है हाँ ना तो आप लोगों का यूं ही जो है साथ चाहिए आप जो है साथ रहोगे तो एक दिन देखिएगा देखते देखते ही यूं ही चीज़ें बढ़ जाती हैं द जर्नी ऑफ हंड्रेड माइल्स स्टार्ट विद द सिंगल स्टेप ठीक है तो चलो हाँ तो यहां पर जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा फिलंजिस हो जाएगा फिलेंजिस विल बी योर राइट आंसर जो फिलेंजिस होती है हमारी जो उंगलियों वाली हड्डी होती है इनको हम फिलंजिस बोलते हैं ठीक है तो चाहे वो पैर की हो या कहीं की भी हो और कहाँ हो सकती है हाथ में ही हो सकती है कहीं का भी क्या मतलब है तो देखो यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो आठ हड्डी होती है यहाँ होती है हमारे आठ और पैरों में होती है यही वाली कलाई की हड्डी सात पैर में भी तो कलाई जैसी है ना तो इनको हम बोलते हैं मेटा इनको हम बोलते हैं ये कॉर्पल्स और ये वाली जो होती है हाथ के पंजे में पांच होती हैं इनको बोलते हैं मेडा कॉर्पल्स और ये उंगलियों में जो लग रही हैं ये कितनी होती हैं फोर्टीन होती हैं फोर्टीन होती है, है अंगूठे में देखिएगा दो हड्डी हैं बाकी में अगर देखें तो तीन तीन हड्डी हैं अगर अंगूठे में भी तीन हड्डी नेचर ने दी होती तो पंद्रह हड्डी हो जाती बट यहां पर एक हड्डी कम है इसलिए चौदह हड्डी हो गई जब हम ऐसे हाथ बना ले पंच बन जाएगा और मुँह पर अगर इसको हम मार दें तो मुंह बिगड़ जाएगा और मुंह पर भी चौदमी के चांद में भी कितनी हड्डी होती है फोर्टीन होती है जिसको हम बोलते हैं बोन हमारा जो हाँ, सिर होता है उसमें टोटल में मिला के ट्वेंटी नाइन बोन्स होती हैं। अगर मैं कपाल कपाल की बात करूं कानों की हड्डियों को और हाइट बॉडी जो गले में होती है उसको मैं हटा दूं कानों में तीन हड्डी इधर के कान में यहां पे नहीं है भाई कभी आप यहां समझे अंदर है तीन हड्डी इस कान में तीन इस कान में तो दोनों कान में एकक कौन सी होगी मेलियस एकक होगी इंकस और एकक होगी स्टेपीज छह हो गए एक गले में हमारे यू शेप की एक हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं जब इंसान कोई फांसी वगैरह लगाता है तो कट से टूट जाती है जी बाहर निकल आती है तो ये सात हड्डी हटाने के बाद में भी आठ हड्डी होती है वो हमारा ब्रेन रखा रहता है।, प्रोटेक्ट रहता है जिनको हम बोलते हैं क्रेनियल अस्थियां आठ हड्डियों में हमारा भेजा मस्तिष्क जो भी आप कहना चाहें वो प्रोटेक्ट रहता है आठ हड्डियों में अब बसता है चेहरे की जो बोन है बहुत ही 14 उनको हम बोलते हैं फेशियल उन्हें क्या बोलते हैं फेशियल बोलते हैं है ना फेशियल बोन जैसे आप सगल पे कराते हो ना फेशियल तो कुछ है ना तो फेशियल का मतलब क्या इस इस पे जो कराते हैं क्या बोलते हैं इसे थूथड़ी बोलते हैं क्या कुछ लोग ऐसे ही एक अजीब सा नाम दे देते हैं तो मुझे नहीं पता आई डोंट नो तो जो है ना चेहरा होता है ना ये बोल दें थोबड़ा टाइप का ये इस तरह के जो भी आप कहना चाहें तो इसमें जो है 14 हड्डी होती हैं मुक्का मारोगे तो यहाँ से याद रखिएगा हड्डियों में ये कितनी 14 होती हैं सकल में भी कितनी होती हैं 14 होती हैं अगला है चलो तो तोदा रिकॉर्ड जो लोग बोलते थे ना चांद सा चेहरा है तुम्हारा तो अभी चांद से जो है जो चंद्रयान 3 ने जो है ना वो भेजी इमेजेस भेजी उससे पता चला उससे पता चला कि जो लोग इस बात पर खुश होते थे कि हमारा चांद सा चेहरा है चांद में बड़े ही अड्डे खड्डे हैं गड्ढे हैं तो समझ लेना लोगों ने ये कहना बंद कर दिया कि प्लीज़ मुझे चांद मत कहा करो वरना बहुत से लोग अपने आप को चांद से तस्बीहा करते थे तो दूर से देखने पर चांद बड़ा खूबसूरत नज़र आता था तो हर वो चीज़ जो दूर से आप देखते हो दूर के ढोल हों सुहाने लगते हैं हर वो चीज़ दूर से देखने पर क्या है अच्छी लगती है जब उसके पास में जाओ देखो तो पता चला चांद जो है ना चांद ना होकर के अजीब सा है तो पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है दूसरा क्या है इलेक्ट्रोमायोग्राम कहलाता है देन क्या है बोथ है बोथ एंड बी 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 दोनों कहला सकता है। चलो शुड द आंसर कोई बात नहीं सबका स्वागत है यहाँ पर सब वेलकम है जो लोग अभी आ रहे हैं चैनल को ठीक है सब्सक्राइब करवा देना ठीक है चलो तो पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है जिस तरह से हमारा चलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है या फिर जो है इलेक्ट्रोमायोग्राम कहलाता है अब यहां पर पूछा है पेशी की विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड क्या कहलाता है मांसपेशियों के लिए तो देखो अगर दिल के लिए स्पेशली देखा जाए तो वो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आप कह सकते हैं यहाँ पर है, मायोलॉजी है हाँ, है, मायो तो मायो वर्ड जहां यूज होगा समझ मसल्स के लिए है। अगर मैं इसको बोल दू माइकोलॉजी तो देखो सी एड हुआ है मायो और माइको मायोलॉजी मायोलॉजी और अगर मैं कहूं माइकोलॉजी क्या कहूं मैं माइकोलॉजी तो जो माओलॉजी है ये किसकी स्टडी होती है मसल की और अगर मैं माइकोलॉजी कहूं तो ये हो जाएगी फंगस की तो देखिए जरा सा फर्क है सी का फर्क है और ये जो स्टडी हो जाएगी किसकी मांसपेशियों की हो जाएगी है ना मसल्स की स्टडी मांसपेशियों का अध्ययन करना और जो हमारा फंगस होता है फंजाई होता है कवक होता है कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका ये कहलाता है माइकोलॉजी माइकोलॉजी तो जहां पर वर्ड यूज होगा समझ लेना वो किस चीज से रिलेटेड होगा मसल्स से मसल से ठीक है तो ये समझ में आगे बात ये ये हो गया अब इस तरह का जो है मायोग्राफ होता है और याद रखना इससे ये पता चल जाता है देखो इसको समझने की कोशिश करना इससे ये भी पता चल जाता है कि बॉडी जो है आपके एज के हिसाब से चल रही है या फिर वक्त से पहले बूढ़ी हो गई है क्या बॉडी बहुत से लोगों को देखना पच्चीस पच्चीस साल में इतना लेजीपन है उनमें उतना ज्यादा उनकी मसल काम नहीं करती और ऐसे है उनकी बॉडी के रिस्पॉन्डिंग जैसे जो है चालीस साल का इंसान पैंतीस साल के लोगों की बॉडी ऐसे काम कर रही है जैसे पिछहत्तर साल का बूढ़ा और कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं है ना जो बिल्कुल आ, मस्त काम करती है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी एज होती है पचास साल और उनकी बॉडी काम करती है ऐसे जैसे

हाँ भाई पता चल जाता है इससे हाँ, ठीक है तो कंड्रा के बारे में समझेंगे कंडरा या टेंडन क्या है कंडरा और टेंडन है ना एक ही चीज है टेंडन और लिगामेंट क्या है ठीक है ऑप्शन है आपका मस्कुलर टिश्यू है पेश से ऊतक है दूसरा क्या है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक है देन स्केलेटल टिश्यू यानी कंकालीय ऊतक है देन क्या है फायरोस कनेक्टिव टिश्यू रेशेदार जो है संयोजी ऊतक है प्रणाम भाई हाँ, ओके वेलकम सभी का नव्या सिंह खुशबू तिवारी राहुल पांडे सभी का वेलकम है यहाँ पर बस पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए ठीक है, है कोई नहीं रोजी संदीलिया ठीक है ओके मनोरमा यादव प्रधि वत्स्यान ओके मधु विपिन रॉय नवीनीता सुषमा मौर्य तो यहां पर देखिए सही आंसर क्या होगा तो ये जो है हमारा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है मस्कुलर नहीं होगा कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है याद रखेगा तो ये हो जाएंगे हमारे कौन से टिश्यू देखिए कनेक्टिव यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन ये जो होते हैं ना फाइबरस ये सब फाइबर जैसे होते हैं अगर देखा जाए तो तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है नहीं ये भी सही है ये भी सही है लेकिन ये फाइबरस में आते हैं हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी फाइबरस में आती हैं ठीक है हम्म आ, रोजी रोजी और क्या नाम है आपका है ना, आप मैं समझ नहीं पा रहा रोजी तो सही ले रहा हूँ ना नाम आपका तो मांसपेशियां होती है उनमें जो स्केलेटल बंडल्स होते हैं हमारे मांसपेशियों के वो आपस में जो जुड़ती हैं जो कई होती हैं वो क्या कहलाती हैं ठीक है फैशिया कहलाती हैं फैशिया फैशिया कहलाता है है ना फैशिया तो देखा जाए तो इसको फेशिया बोल दिया हमने ये देखा जाए तो पेशिया उतक ना बोल के इसको आप जो है ऐसी आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा फेशिया कहलाता है ये या फिर जो है आपका पेरिमैशियम कहलाता है संयोजी उतक या फिर मेरे ख्याल से ये जो है ना पिछले वो ऑप्शन में रह गए हाँ ये जो है पिछले उसके हिंदी वाले मैं अभी तो कहूँ ये किस तरह से ट्रांसलेट हो हुआ है तो याद रखिएगा पेरिमाइसियम को पेरीमाइसियम ही बोलेंगे न्यूरोसिस को एपोन्यूरोसिस बोलेंगे एंडोमाइसियम को एंडोमाइसियम बोलेंगे तो वट शुड बी द आंसर तो याद रखिएगा जो मसल्स होती है ना एक पैकेट्स में होती हैं है ना ऐसे गुच्छा जैसा बना होता है ठीक है तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा फेसिया हो जाएगा क्या होगा फेसिया हो जाएगा तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे जरा कि जैसे मसल्स हैं ठीक है तो ये जैसे हम देखें मसल्स में ऐसे पूरे पैकेट से होते हैं तो इसी के पूरे को जब हम निकाल के देखें तो इसके अंदर फिर ऐसे फंसे हुए होंगे इनको आप निकाल के अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं फैसिया क्या बोलते हैं फैसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आता है ठीक है हाँ मतलब जो है एग्जाम में अक्सर आता रहता है ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है द टोटल नंबर ऑफ़ फेसियल बोन्स इज अभी मैंने बताया था कितनी होती हैं चलो इसमें ज़्यादा वक्त लगाने की जरूरत है नहीं कि जो फेसियल बोन होती हैं बताओ याद हो गया वैसे याद हो गया मैंने क्या बताया था हाँ क्या बताया था मैंने अभी याद तो हो गया होगा ना कि चेहरे की जो हड्डियां हैं कुल संख्या में कितनी होती हैं चेहरे की जो हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं चेहरे की आ, देखो उस तरह की पढ़ाई कीजिए जो एग्जाम में आए ठीक है ना आप दस दस घंटे बारह बारह घंटे पढ़ते रहिए और फालतू का कवाड़ा पढ़ते रहिए कूड़ा कवाड़ा जहां से क्वेश्चन नहीं आने वाले और जो आउटडेटेड चीजें हैं जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से नहीं है आज के हिसाब से बदल चुका है कंपटीशन का जमाना तो इसको बोलते हैं टाइम का वेस्ट करना हाँ इसको बोलते हैं टाइम वेस्ट करना तो आप टाइम वेस्ट ना करें वहां पर पढ़ें कहीं पर भी पढ़ें ऐसे नहीं कि, कि आप मैं ये कहना चाह रहा हूं कहीं पर भी आप जज कर लीजिए कि हाँ जहां से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन का लेवल आ रहा है आजकल उस टाइप से आप पढ़िए तो चलो ये तो आपको याद हो ही गया था कि चौदह का चांद हो या हाथ हो है ना इसमें जो है फलेंजेस फोर्टीन होती हैं तो ये देखिएगा अगर हम बात करें तो हाँ फिलंजिस होती है और जो फेसियल बोन होती है वो कौन कौन सी होती है ये आप सब देख ही रहे हैं तो इनमें जो है जो नाक की यहाँ वाली हड्डी होती है तो इसको हम बोलते हैं नेजल आपको मैं एक चीज बता दूं जब इंसान की डेथ होती है तो इंसान की बॉडी में सबसे पहले आ, क्या खत्म होता है हाँ सबसे पहले जब इंसान मर जाता है तो उसका नाम खत्म हो जाता है मैं ये वो मरे हुए को इंसान का कोई नाम नहीं लेता अक्सर देखेगा लाश बोलते हैं लोग अक्सर मिट्टी बोलते हैं ऐसे उसके बाद में जब इंसान नाक ऊंची करके चलता है ना इंसान को जब सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए मान लो अगर क्रियाक्रम उसका जला करके नहीं किया और ऐसी डेड बॉडी को छोड़ दिया जाए तो उसकी ये आगे की जो टिप होती है ये वाली गलती है पहले उसकी नाक की हड्डी दिखती है देन फिर उसका पेट फूलता है है ना तो कई तरह की चीजें हैं मैं प्रोसेस को इसको कभी क्लास में बताऊंगा क्योंकि अगर मैं यहां पे बताने लगूंगा अजीब सा लगने लगेगा आपको लेकिन जब कभी पढ़ रहे होंगे डिटेल में तब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ की जो हड्डी होती है ये वाली इनको हम बोलते हैं नेसल और फिर थोड़ी सी आगे की में होती है इनको बोलते हैं पेलटाइन क्या बोलते हैं इनको पेलरटाइन बोलते हैं देन उसके अलावा लक्राइमल जो होती है हमारी आंखों के बराबर में यहाँ पे जो हड्डियाँ होती है इनको लक्राइमल बोलते हैं इनफीरियर नेसल कोंका होता है एक और उसके थोड़ा सा यहाँ की साइड में देन कहे मैग्जिला मैगजिला ये वाला जबड़ा होता है ये वाला इसको आप कह सकते हैं एंड जो नीचे वाला होता है हमारी बॉडी में हमारी पूरे सिर में खोपड़ी में सिर्फ नीचे का ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं मैंडवल है ना मैंडिबल सिर्फ आप इसको चला सकते हैं बॉडी की जो सिर की हड्डियां हैं एक को नहीं चला सकते आप ये सारी फिक्स्ड होती हैं बस इस वाली हड्डी को चला सकते हैं और ये वाला जो जबड़ा है वो कुछ का ज्यादा चलने लगता है तो कई बार ज्यादा परेशान करता है तो ठीक है ये है देन क्या है यहां पर एक और हड्डी होती है जो बीचो बीच में होती है उसको हम बोलते हैं बोमर नीचे की साइड में होती है ना बोमर बोलते हैं उसको याद रखेगा तो ये है हमारी पूरे सिर की हड्डियों में अगर कोई चलने वाली हड्डी है तो जबड़े की हड्डी है और तो जबड़े की हड्डी ये वाली जो नीचे वाली है पूरे सिर की हड्डियों में सबसे मजबूत है लेकिन याद रखेगा पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी है चलो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपने मेरी बात को जरा भी तरजीह दी होगी जरा भी तवज्जो किया होगा तो आप बताओ पूरी बॉडी में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है

ठीक है हाँ बताए कौन बताएगा जान की हड्डी फीमर यस वेरी गुड गाइस बहुत बढ़िया अब ओवरऑल बताइए आपने पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी फीमर पूजा कुमारी खुशबू तिवारी ओके मधु विपिन रॉय मनीषा रिया कुमारी है ना निहारा वाला जीना नहीं निहारा देखो आपने गलत आंसर दिया ठीक है संजू प्रजापति नो मैंने पूछा है पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी फीमर शायद मेरे ख्याल से आप देर से आ रहे हैं आपने मेरी बात नहीं सुनी आ, पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी कौन सी फीमर मैं बार बार बोल रहा हूं ये क्वेश्चन गलत मत कर देना अगर कहीं आ गया तो अगर मैं कहूं कि सिर की हड्डियों में की हड्डियों में सबसे मजबूत या फिर जो है स्कल में सबसे मजबूत कह लीजिए चलो कान की हटा दो तो यहां की हड्डियों में सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा मसल मसल बोल रहा हूं मैं हड्डी नहीं तो मसल है होती है मैसेटर मसल जिसको हम बोलते हैं जबड़े की मांसपेशी राइट पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में पूरी बॉडी में दो हड्डियां आ गई है ना बच्चे में तीन के आसपास होती है लेकिन हमारी बॉडी में कितनी दो इन अमंग ऑल दी टू बोन सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी हमारी कौन सी है जान की हड्डी याद रखिएगा फीमर 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 ठीक है बार बार बोल रहा हूं हाँ सिर की हाँ इन सब में बताओ इसका जो खोपड़ी देख रहे हो ना ये चेहरे की हो गई

सिर में तो भाई 22 में आप जो है कान की हड्डी जोड़ दो 6 तीन इस में तीन इस में है ना दो मेलियस दो इंकस दो स्टेपीज 6 और एक गले में हायड बॉडी होती है एक बो जोड़ तो जो दो तो सात हड्डी और जोड़ दो 22 में टोटल मिला के सिर में पूछे तो 29 हड्डी कपाल कपाल में पूछे तो और हाँ एक चीज और कई बार जो है 29 हड्डियों की जगह 28 हड्डी लिखा जाता है ट्वेंटी एट हड्डी लिखा आ जाता है याद रखेगा तो उसमें हाइट बॉडी को शामिल नहीं करते हैं तो या तो ऑप्शन में ट्वेंटी एट होगा या ट्वेंटी नाइन होगा पूरे सिर में और अगर कपाल में पूछेगा कपाल में पूछेगा तो आप कितनी बताएंगे कपाल में बताएंगे बाईस जिसमें से चौदह फेसियल है और आठ जो है वो सिर की है कौन सी ये वाली जिसमें हमारा भेजा ब्रेन रहता है यार इतना क्लियर करके मैंने बता दिया इससे ज्यादा आपको है ना होना नहीं चाहिए है ना अगला है अब बोन इज कोल्ड द ब्यूटी बोन इसमें जो है कौन सी बोन जो है वो ब्यूटी बोन कहलाती है देखेंगे कितने लोग समझते हैं मैंने इस पर थोड़ी बहुत कभी मजाक भी की होगी क्लास में अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो क्लेविकल है ठीक है आ, क्लेविकल 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 बोन है या फिर जो है टिविया है आ, टिविया टिविया या फिर जो है क्या है पटेला पटेला या फिर जो है हायर्ड बॉडी या फिर दूसरी कौन सी हायर्ड बॉडी तो वट शुड बी द आंसर गाइज फॉर दिस क्वेश्चन वालेकुम सलाम जय हिंद सत आदाब स्वागत सभी का चलो तो देखो यहां पर जो सही आंसर है 93 का हो जाएगा क्लेबिकल क्लेबिकल बोन यहां पर होती है हमारे जिसको हम बोलते हैं कोलर बोन मैंने लिखा नहीं था लेकिन अभी मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं कोलर बोन जो कोलर बोन होती है हमारी यही होती है और इसको भी कहा इसको कहा जाता है ब्यूटी बोन जानते हैं आइए मैं दिखाता हूं ब्यूटी बोन को कि ब्यूटी बोन क्या चीज है ब्यूटी बोन यहां पर आप गौर से देखिए कैसी है आ, कैसी लग रही है मैं हड्डी की बात कर रहा हूं मैं हड्डी की बात कर रहा हूं हड्डी कैसी लग रही है नेक बोन बेटा अलग होती है नैक बोन नहीं बोलते हैं। गर्दन की हड्डी अलग होती है गर्दन की हड्डी तो ये होती है हमारी सात हड्डी होती है गर्दन में ये कौन है गर्दन में, में हड्डी बताने वाला नहीं गर्दन में सात हड्डी होती है गर्दन अच्छी लग रही है गर्दन तो अच्छी लगी है इसमें देखिए ये ब्यूटी बोन जो है वो आपको नजर आ रही होगी हमारी बॉडी की सबसे कमजोर सबसे कमजोर हड्डी यही होती है और ये जो इस मोहतरमा की नजर आ रही है और ठीक है कहा से तक कहा समझ में नहीं आ रहा तो यहां से ये जो आ इसकी बोन देख रहे हो यहां पर जो गले में है 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 ये ये वाली वाली और ठीक जो बोन है, चलो गौर से देख लीजिए तो ये वाली जो है ये गले की है। गले की की हड्डी है नहीं मतलब सॉरी गले बोल रहा हूं ये वाली हड्डी सबसे कमजोर होती है ये सूखी लड़की बेटा इसे करने में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस लड़की की खूबसूरत कहानी देखिए मतलब कहानी नहीं है इसकी इसकी जो गर्दन है वो लंबी है गर्दन लंबी है तो जिन लेडीज की गर्दन लंबी होती है और ये वाली हड्डी दिख रही होती है उनके गले में या तो गोल्डन गोल्ड की चेन हो प्लेटिनम की चेन हो या गले में नेकलेस हो या गले में इसके नेकलेस बना लीजिए आप ठीक है तो गर्दन खूबसूरत दिखती है इसलिए आप देखेगा जितनी भी मॉडल्स होती हैं जिनकी ज्वेलरी वाली एड करवाते हैं हम पीसी ज्वेलर या हो गया कहीं पर होर्डिंग लगी देखिए आपने कभी गौर किया है हम लोगों के तो दिमाग में चलता है कि हाँ देखो तो गर्दन जिनकी लंबी होती है उनके गले में नेकलेस अच्छा लगता है इसलिए लंबी गर्दन वाली लेडी और जिसकी ये हड्डी दिख रही हो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है अगर ये लड़कों की दिखने लगे लड़कों की दिखने लगे तो इसका मतलब ये है आ, कि जो है कुपोषण का शिकार है लेकिन बहुत सी लड़कियां भी ऐसी होती हैं जैसे जो है सुखोफीसी हो अब इसको लेकर के ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है हाँ ऐसी गर्दन के मतलब जो है जिसकी अगर ये दिखती हो तो ज्यादा घमंड मत करिए रिश्ते वाले आए पता चला लड़के वाले और वो कह रहे हैं कि हमारे पास लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब है गाड़ी है बंगला है बोले तो हमारी बेटी का काम है हमारी बेटी के पास हड्डी है बेटा जरा दिखाना हड्डी है ना बोले मेरे पास देखो हड्डी है पता चला उसे हड्डी दिखा रहे हैं कि हमारे पास हड्डी है है ना कुछ नहीं होगा ऐसी हड्डियों को कई बार तो कंकाल अच्छा भी नहीं लगता जिससे ठीक है कुछ को तो अपनी अपनी पसंद है अगला देखेंगे हाँ, कई बार तो कंकाल जैसा अच्छा भी नहीं लगता और अगर ये लड़कों की जो है निकलने लगे तो अक्सर रिश्ते वाले बोल देते हैं कि इसे हमें क्या दिखा रहे हो तो डॉक्टर को दिखाओ ठीक है तो इसे हमें क्या दिखा रहे हो है ना तो अगला है एनाटोमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील और डील विद एनाटोमी हाँ पता चला हर किसी को है हमारे पास हड्डी है ठीक है चलो तो एनाटोमी विज्ञान की एक शाखा है जो संबंधित है किससे ऑप्शन है आपका जानवर और पौधों की संरचना से ठीक है हाँ भाई ऐसा लड़का अगर दिखाने लगो कि हमारे बेटे की भी तो हड्डी दिख रही है अक्सर उसके लड़की वाले के घर वाले बोल रहे हैं कि हमें मत दिखाओ इसे डॉक्टर को दिखाओ यार तो अगला है एनाटोमी विज्ञान की वह एक शाखा है जो संबंधित है किस चीज से स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ठीक है दूसरा है फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली या एनिमल बिहेवियर पशु व्यवहार या फिर जंतु व्यवहार पशु मतलब अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा जंतु लिख लो वैसे तो दुकान का नाम चेंज है सामान तो वही है देन सेल्स एंड टिश्यू ठीक है चलो तो क्या सही आंसर है मेरे पास ब्यूटी बोन है है हाँ, तो क्या जरूरत पढ़ने की है ना हड्डी पेश कर दो आप ये है ना हमारे पास हड्डी है ठीक है चलो ये वाली गले की गले की नहीं मतलब ये वाली वैसी टूट जाती है सबसे कमजोर बोन होती है तो एनोटोमिक जो है कैसी शाखा है जिसमें हम क्या है आ, हाँ फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन एनिमल बिहेवियर या सेल तो इसमें स्ट्रक्चर इस की बात करते हैं और खास करके इंटरनल स्ट्रक्चर याद रखिएगा स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो इंटरनल अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे हमारे अंदर फेफड़ा कलेजी गुर्दा कैसे अंदर से नजर आ रहे हैं ओके आंतरिक संरचना की हम इसमें बात करते हैं किसकी आंतरिक संरचना आंतरिक संरचना की हम इसमें बात करते हैं समझ में आगे बात यह चलो अगला देखेंगे ठीक है अगला सवाल है ऑंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ चलिए आप जल्दी जल्दी जो रेपिड टाइप का है ना जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं खत्म ऑंकोलॉजी क्या है ऑंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑंकोलॉजी किस चीज की, की स्टडी है ऑप्शन है आपका बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन है ऑंकोलॉजी ऑंकोलॉजी जो है क्या पक्षियों का अध्ययन है या फिर जो है कैंसर का अध्ययन है या फिर मैमल यानी स्तनधारी का अध्ययन है किसका स्तनधारियों का अध्ययन है या फिर जो है सोल यानी मृदा मृदा का अध्ययन है वोट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइव क्या होना चाहिए यहां पर हम्मलॉजी किस चीज का अध्ययन है ऑंकोलॉजी ऑंकोलॉजी तो ऑंकोलॉजी जो है किस चीज की स्टडी होती है जो लोग बर्ड्स बता रहे हैं गलत बता रहे हैं ये कैंसर का अध्ययन होता है कैंसर का अध्ययन होता है याद रखेंगे हाँ सुप्रिया मेरा वेरी गुड देखिए जो पक्षियों का अध्ययन है वो इसके जैसा लगता है लेकिन क्या है उसका नाम ओरनीथोलॉजी है क्या नाम है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना बर्ड्स की स्टडी करना कहलाता है ऑर्निथो ऑर्नीथोलॉजी क्या कहलाता है ऑर्निथोलॉजी हम्म क्या कहलाता है ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता कर है क्लियर ना चलिए अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ रिथ साइड्स इन फीटस टेक्स प्लेस इन भ्रूण में का निर्माण कहां पर होता है इरिथ्रो का मतलब अगर आप समझते होंगे तो सब समझ गए होंगे का मतलब मतलब होता है लाल मतलब से, लाल साइट से सेल कौन सी होती है आरबीसी तो सिंपल क्वेश्चन में घुमा के लिख दिया है इसका कॉमन नेम लिख दिया है देखा जाए तो आरबीसी की हम बात कर रहे हैं तो आरबीसी का निर्माण जो बच्चे में होता है फीटस अभी जन्म नहीं लिया बच्चे ने बच्चा जब जन्म ले लेता है तब उसको बोलते हैं बेबी देखो पहले बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्टिलाइज एग जिसको हम बोलते हैं जयगोड फिर एम्ब्रियो फिर फीटस और जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं बेबी और बेबी जो है छोटे बच्चे को बोलते हैं और आजकल देखें तो लोग किसे किसे बेबी बोल रहे हैं ना आप देखेगा ऐसे ऐसे बेबी मार्केट में घूम रहे हैं और कि लगते नहीं बेबी है ना और कितनी कितनी है की। तो में का कहां पर होता है ओके रेड बोन मैरोप्लाज्म ठीक है धन क्या है लीवर एंड स्प्लीन जिगर और तिल्ली जिगर को हम वैसे देखा जाए तो यकृत बोलते हैं क्या बोलते हैं यकृत और क्या है ब्लड को हम रक्त बोलते हैं हम्म वर्ड शुड बी द आंसर और अक्सर जो है जब आप ऐसी चीजों को गौर करने लगो तो अक्सर ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं आज ही हम कहीं महार पर खाना खा रहे थे तो वहां पर भी, कहना, भी है ना टायर टू अंडर है ना तो अक्सर या तो मुझे सुनाई कुछ ज्यादा आती है इस तरह की या फिर जो है मैं नोट कर लेता हूँ है ना अक्सर देखेगा आज भी मैंने देखा तो वहां पर भी और बेबी और वो भी नखरा ऐसे जैसे बाकी में बेबी और बेबी की एज होती कम से कम कितना अड़तीस साल अड़तीस साल का बेबी था तो खैर चलिए और अजीब सा बेबी तो भ्रूण में रिथ्रोसाइड्स का निर्माण मतलब ऐसे बेबी के बिना ठीक है सच में ऐसा बेबी था हाँ मैंने देखा बेबी तो खैर किसी और का था लेकिन अजीब सा बेबी बेतुका टाइप का बेबी है ना लेकिन वो बेबी का नखरा देखो ऐसा था कि जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि चार मुक्के मारने लायक जो है बेबी का शकल थी ठीक है अजीब सा बेबी और फुला लिया तो वो बिल्कुल गोभी जैसा हो गया है ना बेबी का जो वो था जिसके है ना जो नखरे वाली चीज दिखाने वाली थी तो भ्रूण में रिथ्रोसाइड्स का निर्माण कहां पर होता है हाँ तो अजीब सा और सकल गोभी जैसी फिर बाद में और फुला ले ठीक है तो फिर अजीब सा मुंह उदाह जैसा दिया ठीक है और उसमें बना करके का दिखा रहे हैं तो में का जो होता है वे लीवर एंड स्प्लीन में होता है और जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है और उसके बाद में बोन मैरो में हमारा ये चलता रहता है और ताम्र पूरी जिंदगी जो है फिर वो वहीं पर चलता है ठीक है हाँ और क्या अजीब सी सकल यार और वो मतलब खा लो ना वो नहीं खाना तो मैं सोच रहा था कि सही है ना खाए तो सही है क्योंकि इतना मोटापा है बेबी अगर ये रूठा रहे तो ज्यादा सही है मैं तो देख रहा था ना साइंटिफिकली अगर भाई जाहिर बात है उसमें दो निवाले भी अगर और गए तो सच में बेबी फट जाएगा कुछ इस टाइप का बदन था तो खैर अजीब सा बेबी तो द ना रहेगा बेबी ना रहेगा फिर वो निवाला द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द बोन इज नोन एज हड्डी को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है जो हड्डी को घेर के रखती है उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन है आपका पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम ठीक है पेरिकार्डियम ठीक है Peri, इससे अगला है तो इस क्या है पेरी ओस्टियम ठीक है पेरिओस्टियम इसका इससे अगला क्या है पेरिकॉन्ड्रियम पेरिकॉन्ड्रियम ठीक है तो पेरिकॉन्डियम देन इससे अगला है एंडो ठीक है एंडो एंडोस्टियम एंडोस्टियम तो व्हाट शुड बी द आंसर चलो ठीक है चलो चलो जल्दी से हम्म तो देखो यहां ओस्टियम बर्ड जहां लिखा होगा जाहिर है हड्डी से रिलेटेड है तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है पेरी हड्डियों के बाहर जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरियस्टियम हड्डी पे है ना मेमलिय मेमिलियन पिन्ना इज सपोर्टेड बाई जो मेमेलियन पिन्ना होता है इसको कौन सपोर्ट करता है uh, जो मतलब किस टाइप का जो जैसे हमारा ये जो पिन्ना है इसको हम बोलते हैं पिन्ना हाथी का देखा पिन्ना होता है तो ये जो हमारा पिन्ना है अरे वही पिन्ना जिसपे कई बार बचपन में थप्पड़ लग जाता था झंझा था, था दो घंटे तो ये जो पिन्ना होता है ये इसमें क्या लगा हुआ है क्या लगा है कौन सा कार्टिलेज लगा है आपको बताना है इलास्टिक कार्टिलेज लगा है हाईलाइन कार्टिलेज लगा है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू लगे हैं या फिर कैलसीफाइड कार्टिलेज लगा है क्या है योगेश यदुवंशी और ठीक है कोई नहीं बेटा है ना इस तरह का जिक्र है, ठीक है जो ये थोड़ा ना धार्मिक चीज़ें हो जाएंगी और इन चीज़ों से मैं बड़ा दूर रहता हूँ आपने अक्सर देखा होगा जो क्लास में भी है वो जो भी है कुछ इस तरह की चीज़ों से मैं बहुत दूर आ, ठीक है ना हाँ रिलीजन वाली चीजों से मैं काफ़ी आ, जो है बचता हूँ दूर रहता हूँ इन चीज़ों में मेरा कोई खास आ, जो है बहुत ज्यादा यकीन नहीं है है ना तो वो थोड़ा सा जो है ना डिप्लोमेटिक टाइप की चीज मतलब फिर वो अजीब टाइप की चीज हो जाती है हम लोग से वैसे भी मेरा जो नजरिया है कूट कूट के जो है वो साइंटिफिक है टेम्परमेंट जो है मेरा साइंटिफिक है इसलिए मैं जो है थोड़ा सा इन तरह की चीज़ों में ध्यान नहीं देता है ना तभी तो जरा पढ़ लो क्लास डिस्टर्ब होगी तो ये हो जाएगा हमारा इलास्टिक कार्टिलेज हो जाएगा कौन सा इलास्टिक टाइप का जिसमें है ना जैसे ये दबा रहे हैं तो ये कान का जो पिन्ना है दब जा रहा है ठीक है ना अगला देखेंगे अगला है ओके नाईलाइन कार्टिलेज डज नॉट हैव आपको बताना है जो हाईलाइन कार्टिलेज होता है जो हमारा जैसे घुटने पर चढ़ा हुआ होता है दो घुटनों के बीच में जो इस तरह से ऐसे चलते हैं ना तो वहां पे जो चढ़ा होता है तो ब्लड कैपलरीज है रक्त कोशिकाएं कोशिकाएं है लकौने हैं देन क्या है, है, है फाइबर्स है तो वट शुड बी द आंसर <coughs> <coughs> सुप्रियाल जी मेहरा सर मैं आपके बैच को गूगल से डाउनलोड की हूँ बट कुछ नहीं करा बैच को गूगल से क्या डाउनलोड किए हैं आपने जो है दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा ठीक है आप जो है इस वीडियो के ना लिंक को जब खोल के देखिएगा जो इसके बारे में लिखा होता है ना तो उसको आप ले लें स्टडी गुड इवनिंग हाँ वहां से परचेज कर लें आप अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है चलो हाँ भूपी हा, लॉन्च होके नाम है आपका वेलकम चलो तो यहाँ पर याद रखेगा कि जो है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं घुटने वाली जो हमारी कार्डलिज होती है उनमें जो है वो ब्लड कैपलरीज नहीं होती एंड एक जगह और हमारी बॉडी में ब्लड कैपलरीज नहीं होती हैं आँख की जो हमारी ये होती है आ, क्या बोलते हैं उसको Uh, आयरिस आयरिस में भी जो है ब्लड uh, वेसल्स नहीं होती समझ रहे हैं ना और जो है यहाँ पर भी नहीं होती तो हाई कार्टिलेज जो होता है जो हमारी हड्डी होती है उस पर यहाँ पर जो चढ़ुआ होता है यहाँ पर जो चढ़ुआ होता है ना इसी को जो है हम क्या बोलते हैं हाई कार्टिलेज बोलते हैं ठीक है ना इसी को हम बोलते हैं जब जिन लोगों का ये घिस जाता है तो अक्सर बोलते हैं कि उनके घुटने घिस गए अक्सर बोलते हैं ना कि उनके घुटने घिस गए वो यहीं से घिसते हैं अगला है कैनाल्स आकर्सन हाइवर्जन uh, कैनाल्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं ब्रजेश कुमार यार ई बुक का एक बुक रिकमेंड कीजिए सेल्फ़ स्टडी के लिए साइंस के लिए क्या बात है ब्रजेश कब से मैं कितने बार आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये किताब ले लो ये किताब ले लो है ना तो मैं ऐसे भी तो नहीं कह सकता ना कि यही ले लो आपकी मन करे आपका अगर मन गवारा कर रहा हो तो मेरी ही किताब अवेलेबल है अमेजोन पे आप उसको ले लो या फिर जो है टारगेट बिल एप्लीकेशन से ले लीजिए डाउनलोड कर लीजिए टारगेट बिल को आप वहाँ से ले लो अपनी किताब का तो भरोसा है मुझे लेकिन हाँ मैं दूसरे की रिकमेंड भी नहीं करूँगा है ना चलो खैर तो हो 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 गया, 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 ठीक है, देन है, हो गया, है है है, क्या ना, ना, की 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 हड्डी हड्डी, जिसको बोलते हैं, अस्थि, है या फिर जो को हम जो है वही जो अभी हम बात कर रहे थे ब्यूटी बोन की उसी की तो हेवर्जन कनाल जो है वो याद रखेगा ह्यूमरस में पाई जाती है जो लंबी लंबी बोन्स होती है वहां पर पाई जाती है आ, ठीक है गेटवेल सोन एम एस स्टडी ओके कोई नहीं आज आराम करते कोई जरूरी नहीं था क्लास में आना है ना तो इधर आप देखेंगे जो हाइबर्जन कनाल होती है वो हमारी जो बड़ी बड़ी बोन्स होती है लंबी लंबी उसी में रहता है आ, ठीक है रीता कुमारी मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ आप लोग कैसे हो चलो तो डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज डैमेजिंग टू द ह्यूमन हेल्थ निगेटिव इफेक्ट्स इंक्लूड ये थोड़ा केमिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन आप मान मान लो का लीजिए उसी टाइप का क्वेश्चन है तो ओजोन परत का मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और नकारात्मक प्रभावों में क्या क्या शामिल है ऑप्शन है आपका स्किन कैंसर देन क्या ओस्टोपरेसी देन क्या डिस्पेसिया डिस्पेप्सिया अपच या फिर जो है नन ओप तो देखो जो ओजोन डिप्लीशन होता है उससे क्या होता है कि जो यूवी रेज होती है वो आना शुरू हो जाती है जब यू रेज आना शुरू हो जाएंगे ब्रदेश कुमार मेरा मेरी किताब कैसे मिलेगी या टारगेट विल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से वहां पर दो एप्लीकेशन दिखाएगा आ, तो इसमें जो नया वाला है उसको डाउनलोड कर लेना ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से ले लो चलो अभी वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे आ अभी क्या क्या करना है तो ये हो गया त्वचा का कैंसर तो, तो जाहिर बात है त्वचा का कैंसर होने लगेगा बट हमें जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारी स्किन में वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्किन कैंसर को अगर आप देखें तो जिन लोगों की बॉडी में ऐसा दिखाई देगा समझ लेना ये स्किन कैंसर है और स्किन कैंसर में आ, क्या है बहुत बुरी हालत खराब होती है इंसान की ठीक है आगे देखेंगे इंटरफोरेंस इज कनेक्टेड विद जो इंटरफोरेंस होती है इस पर हमने एक दो दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो इंटरफोरेंस होती है किसके साथ जो वो जुड़े भी हैं इनका संबंध किससे है ऑप्शन है आपका टॉनिक है वायरस है वायरस यानी विषाणु विषाणु ठीक है या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो है आयरन लोहे का अयस्क है ठीक है ना हम मोस्ट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए क्या सही आंसर होगा तो इंटरफेरेंस का जो ताल्लुकात है वो एंटी मेडिसिंस होती हैं या खुद एनिमल की बॉडी बना लेती है ये ओके हम hmm. मनीष मनीषा कुमारी बेटा थैंक यू आ, चलो आगे देखेंगे द पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इज ऑफ बोन्स अभी हमने एक्सल पढ़ा था वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ये आप जो भाग भाग जाते हो ना इधर उधर ऐसे ही आप लोग सोचते हो अरे एंड तक पढ़िए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो है ना मगर ये है कि मुफ्त की चीज़ अगर कोई ज्यादा अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं लोग ठीक है चलो तो क्या सही होगा कितनी होंगी तो याद रखेगा यहां पर जो बॉन्स होंगे वो कितनी हो जाएंगी वन ट्वेंटी बॉन्स हो जाएंगे कितनी हो जाएंगी वन ट्वेंटी बॉन्स हो जाएंगे वन ट्वेंटी सिक्स वन ट्वेंटी सिक्स बोन्स जो होती है ये और अस्सी जो होती हैं अभी हमने पढ़ा था अक्षय जो कंकाल होता है शरीर की नाजुक अंगों की हिफाजत के लिए वो जो है अस्सी बोन होती हैं तो अस्सी और एक सौ छब्बीस कितनी होगी दो सौ छः अगला हाउ मेनी बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्पाइन हमारा जो देखिए जब भी ये वर्ड यूज हो ह्यूमन स्पाइन एडल्ट स्पाइन या नॉर्मल स्पाइन मान अब की तो हम जो है एडल्ट की बात करते हैं छोटे बच्चे की जो हड्डी होती है ना उसकी अगर रीड में हम बात करेंगे छोटा बच्चा जो होगा तो थर्टी थ्री होती हैं लेकिन हमारे जो होती हैं वो कितनी होती हैं ट्वेंटी सिक्स बोन्स होती हैं याद रखेगा कितनी होती हैं ट्वेंटी सिक्स बोन्स होती हैं अगर बड़े की ये उसकी पूछेगा आ, छोटे बच्चे में कितनी होती हैं तो 33 होती हैं अगला सवाल है हाउ मेनी टीथ कम्स आउट ट्वाइस इन अ ह्यूमन मानव में कितने दांत जो है दो बार आते हैं सोच समझ कर के आंसर दीजिएगा मानव में कितने दांत दो बार आते हैं टोटल दांत हमारे होते हैं 32 32 में कितने दांत ऐसे हैं जो दो बार आते हैं <laughs> चलो हम्म तो मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं ऑप्शन है आपका तो देखिए याद रखिएगा बीस दांत जो है दो बार आते हैं क्योंकि बीस दांत जो है वो हमारे मिल्क के दांत होते हैं और मिल्क के दांत दोबारा आते हैं मिल्क के दांत का मतलब जो है वो ये नहीं होता है कि वो दूध के दांत हैं मिल्क के दांत का मतलब होता है कि वो ऐसी एज में अवस्था में निकल के आते हैं जब मानव दूध बच्चा जो है वो दूध पीने की अवस्था में होता है जबकि वो भी बने किसके होते हैं कैल्शियम फोस्फेट के ही बने होते हैं तो ये आप देखिएगा दांतों पे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था आगे बढ़ेंगे मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड आई टेस्टिंग ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मलेरिया को हम कैसे पहचानेंगे कि मलेरिया है देखो आप इतना तो हिंदी वाले भी बच्चे समझते होंगे मैं यहां पे लिख दू इसके लिखने से रह गया यानी रक्त में रक्त में मच्छरों का लार्वा रक्त में मच्छरों के लार्वा से हम पता कर लेंगे कि मलेरिया हुआ है मच्छरों का लार्वा कोई बात नहीं मैं हिंदी में लिख दू मेरे लिए हिंदी वाले भी उतने ही अजीज हैं और ठीक है जितने बाकी ठीक है एग ऑफ द मॉस्किटो इन ब्लड यानी रक्त में मच्छरों के अंडे रक्त में मच्छरों के अंडों से हमें पता चल जाएगा मच्छरों के अंडे अगर पाए गए तो रक्त में या फिर आ, जो है प्लाज्मोडियम इन द ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं में रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम रक्त कोशिकाओं में क्या प्लाज्मोडियम या फिर इससे पता चल जाएगा हमें या फिर रक्चर्ड लिवर सेल्स इन द ब्लड यानी रक्त में रक्त में ठीक है यकृत की रक्त में यकृत की ठीक है टूटी हुई टूटी हुई कोशिकाएं टूटी हुई कोशिकाएँ ठीक है, है ना तो वोट शुड बी द आंसर तो क्या सही आंसर होना चाहिए आ, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमें पता चलेगा प्लाज्मोडियम के होने से ठीक है मुन्नी कुमारी बेटा यहाँ इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उन सबको पढ़ने के लिए है ना काफी टाइम लगता है ठीक है ना तो यहाँ पर इतना नहीं हो पाएगा कि मैं थ्योरी यहां पे पढ़ाऊं अगला है मोडिफाइड टस्क ऑफ एलिफेंट इज मोडिफाइड जो टस्क है ठीक है वो किस चीज़ का रूपांतरण है जो मॉडिफाइड टस्क होता है हाथी के दांत जो होते हैं दुनिया के सबसे बड़े दांत हैं पूजा भारती संजू प्रजापति ओके तो फेक सचिन राजपूत अंकिता कुमारी चंदा कुमारी गुड्डी कुमारी कृष्ण करिश्मा कुमारी एम एस स्टडी तो हाथी का जो रूपांतरिक टस्क है टस्क है यानी हाथी दांत सिंपल सिंपल सा कहूं तो ये किस चीज का जो है रूपांतरण है इसको इंसिजर को हम बोलते हैं क्रंतक और इसको हम बोलते हैं रदनक रदनक और इसको हम बोलते हैं अग्र चवर्णक क्या बोलते हैं अग्र चवर्णक और मोलर को हम बोलते हैं चवर्णक क्या बोलते हैं चवर्णक तो क्या सही आंसर होना चाहिए तो हाथी के दांत दिखाने के ओर और, और खाने के ओर तो आह लगता है कि जो कैनाइन है वो बढ़ जाते हैं लेकिन याद रखेगा ये कुमारी ठीक है एक सौ सात का आंसर एपी आजाद गलत आंसर करो प्रीमोलर नहीं होते याद रखेगा इंसीजर होते हैं अपर इंसीजर सेकेंड इंसीजर जिसको बोलते हैं याद रखेगा तो इंसीजर ये वाले नहीं ये कनाइन होते हैं कैनाइन तो शुद्ध शाकाहारी जानवर में होते ही नहीं है आपको बताया होगा तो ये जो काटने वाले दांत होते हैं ये मौजूद होते हैं ठीक है ना ये ठीक है इंसीजर सही आंसर अगला है एलिफेंटिस भाई एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटिस या हाथी पांव रोग या इसको हम सिंपल कह देते हैं हाथी पांव रोग ठीक है uh, हाथी पाओ रोग तो ये वाली जो बीमारी है हाथी पांव रोग आ, ठीक है कौन सा है हाथी पाओ रोग हाथी पाओ ठीक है रोग तो ये जो हाथी पाओ रोग है एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं इसको एक नाम और दे देते हैं इसी को हम फाइलेरिया भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं फाइलेरिया या फाइलेरेसिस तो इसे फाइलेरिया भी कह सकते हैं आप या फाइलेरिएसिस भी कह सकते हैं तो बताए किसकी वजह से होता है ऑप्शन है आपका बुकरेरिया एरबो विषाणु हिस्टोलिटिका या फिर प्लाज्मोडियम या फिर प्लाज्मोडियम व्हाट शुड बी द आंसर गाइस बताएंगे तो यहां पर देखिए सही आंसर हो जाएगा कौन सा बुकरेरिया ब्रोनकोफ्टाई पूरा नाम होता है बुकरेरिया ब्रोनकोफ्टाई जिन लोगों ने पहले से थ्योरी पढ़ रखी होगी अच्छे से उनको समझ में आ रहा होगा और इसको फैलाने वाला एक मॉस्किटो होता है फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स इसको फैलाता कौन है एक मच्छर होती है फीमेल मच्छर जिसको बोलते हैं फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स अगला है बूपिंग कफ इज कोज भाई देखिए बूपिंग कफ को जो है आ, खांसी कौन सी काली खांसी है ना बूपिंग कफ का मतलब क्या होता है काली खांसी ठीक है एक मिनट कौन सी खांसी काली खांसी तो यहां पर आप समझेंगे कि जो बूपिंग कफ है बूपिंग कप को हम बोलते हैं काली काली खांसी और इसी को हम बोलते हैं कुकुर खांसी कुकुर का मतलब होता है कुत्ता तो कुत्ता खांसी कुत्ता खांसी भी बोल देते हैं इसको क्या सही आंसर होना चाहिए तो याद रखे विषाणु है बैक्टीरिया है प्रोडोजन है या फिर फंगस है या फिर जो है क्या है आ, फंगस है आ, ठीक है फंगस है तो वोट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गए क्या होना चाहिए तो याद रखियेगा यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा आ, सही आंसर आ, तो जो बूपिंग का फेक बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके बैक्टीरिया का नाम होता है बोर्डेला प्रूसेस बोर्ड टेला पट्यूसिस नाम का जो है वो बैक्टीरिया कहलाता है अगला है सोमेटो स्टेटिन हॉर्मोन इज सिक्रिटेड बाय सोम हॉर्मोन किसके द्वारा श्राबित होता है तो ये निकलता है दो तीन जगह से तो बताओ इसमें क्या सही आंसर होना चाहिए मैं इनके ऑप्शन जो है वो हिंदी में कर दे रहा हूं इसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथी पिट्यूटरी ग्रंथी भी लिखा जाता है कई बार और यह पीयूष ग्रंथी भी लिखा सकता है देन कह एड्रेनलिन ग्लैंड ठीक है क्या एड्रेनलिन एड्रेनलिन ग्रंथि कहलाता है या फिर जो है इस सगला है ग्लैंड यानी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग इस वीडियो को देखें बाद में भी जो देखें भाई मैं उनसे भी कहूंगा ऐसी धीरे धीरे देखें ना देखें लेकिन कम से कम सब्सक्राइब कर लेना ताकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए एक थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो भी और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे मैं उनसे भी कहूंगा कि एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार देखना ना देखना एक अलग बात है पिन क्रियाज है ना अग्नाशय ग्रंथी या फिर जो है ओवरी या अंडाशय क्योंकि यार ये या अकेले ने शुरुआत की है तो अब धीरे धीरे जो है आप सब साथ में आओगे तो भी जो है कार्बर बनेगा हम्म तो देखो ये निकलता है हमारे कहाँ से एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है उसके अलावा और सॉरी एड्रिनल नहीं पेनक्रियाज पेनक्रियाज में जो आ, कौन सी ये वाली सेल्स होती है आ, कौन सी सेल डेल्टा दि, सेल जो होती हैं उनसे भी निकलता है

तो बिड्रोल सिंड्रोम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है हैप्पीनेस खुशी से संबंधित है इंटॉक्सिकेशन नशे से संबंधित है लो ब्लड प्रेशर से संबंधित है निम्न रक्तचाप या फिर जो है लीवर लीवर को हम क्या बोलते हैं यकृत या जिगर बोलते हैं ठीक है चलो तो यहाँ पर हाँ संजू थैंक यू तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो नशे से संबंधित है विड्रॉल सिंड्रोम अगला है फॉलोइंग डिसीज इज कोज बाई द वायरस जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी बीमारी जो है वायरस से होती है मत दो चार क्वेश्चन हो रहे हैं दो तीन मिनट की कहानी है और साथ में मेरे बने रही है एंड तक आ, ठीक है चलो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस यानी विषाणु के कारण होता है ऑप्शन आप देख ही रहे हैं टाइफाइड है टाइफाइड को आंत का ज्वर भी बोल देते हैं या मियादी बुखार भी बोल देते हैं या टाइफाइड ही हिंदी में लिखा सकता है ट्यूबर क्लॉसिस है मलेरिया है स्मॉल पॉक्स है तो याद रखेगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन रोग वायरस के कारण होता है तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है स्मॉल पॉक्स स्मॉल पॉक्स होता है बाकी ये ये जो है किससे प्रोटोजन से होता है प्रोटोजन से होता है ये और ये दोनों जो है वो किससे होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं दोनों कैसे होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं ठीक है चलो रोज रोजी थैंक यू अभी इधर देखेंगे ये जो है जनरल साइंस फाउंडेशन बैच जिन लोगों को करना है अपना साइंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बिल्कुल डीप में पढ़ना है इसके साथ साथ एक बैच रहा है इन्वॉर्मेंट का है ना उसका हमने नहीं लगाया मैंने और एक कोम्बो बैच है जिसमें इन्वॉर्मेंट और प्लस दोनों अगर लाभ लेंगे तो थोड़े से पैसे बढ़ा करके आपको मिल जाएगा ट्रिपल नाइन में है और वो बारह सौ निन्यानवे में, में है खाली इन्वॉर्मेंट का लेंगे छह सौ निन्यानवे में है आप अगर लेना चाहें तो टारगेट विल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से और परचेज कर लीजिएगा इस कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी एक साल रहेगी कोर्स की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें जो है आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगी और उसके साथ साथ जो है आप इसको एक साल तक कितनी ही बार देख सकते हैं आ, ठीक है और कोर्स की वैलिडिटी एक साल तक है इंडिया के कोई भी एग्जाम हो अप टू आई वो यहाँ से जो है आपका सारा साइंस जनरल साइंस वाला पोर्शन कवर अप हो जाएगा जनरल साइंस के लिए है ये टारगेट विल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और इसको ले लें जो अभी किताबों के बारे में पूछ रहा था भाई वो टारगेट विल एप्लीकेशन पर जाए और इन किताबों को स्टोर वाले सेक्शन पर क्लिक करिएगा दो चार सेकेंड में वो खुलता है वेट कीजिएगा उसको और फिर इन किताबों को लेना चाहें ले सकते हैं ये आपके जितने भी इंडिया के कॉम्पिटिव एग्जाम है उन सबके लिए और टीचिंग के जितने भी कम्पिटेटिव काम है वो इस किताब को ले लें इन दोनों को इनमें से जो मीडियम आपका अच्छा लगे और अलग-अलग उसमें लैंग्वेजेस में है उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की ये जो है अपडेशन के साथ ये नई किताब आ गई है अगर आपको लेना होगा चाहे वो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें भी एनवायरमेंट है हर चीज में और ठीक है टीचिंग से रिलेटेड जितने भी हैं उनके लिए है ये और ये टी जी टी पी जी टी बायोलॉजी अभी जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो है ना अब आगे का टी जी टी पी जी टी लेवल तक की चीजें पढ़ेंगे सिक्स टू एट वाला हो गया या फिर जो है वो नाइन टू टेंथ हो गया या अलेवे टू ट्वेल्थ हो गया उन सब के लिए जो है प्रैक्टिस सेट्स है ये पचास प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग विद एक्सप्लेनेशन है और मेरा खुद का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें आप लेना चाहें तो ले सकते हैं क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर एंड इसको जो है आप ले सकते हैं कहाँ से टारगेट विल एप्लीकेशन से लोगे तो आपको शायद 20-25 रुपए ही कम भी मिल जाएगी अमेजन पे पाँच सात दिन में ही अमेज़न पे भी आ जाएगी या एक दो दिन में भी आ सकती है और वहां पर आपको थोड़ा सा पच्चीस रुपए और एक्स्ट्रा मिलेगी है ना तो आप लेना चाहें ले सकते हैं और कोर्स में अगर आप मेरे साथ इनरोल्व होना चाहते हैं तो ले लीजिएगा अभी जो दो चार पाँच क्लास हुई है वो सारी रिकॉर्डेड सेक्शन में पड़ी है आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ठीक है आपको निराशा तो कभी नहीं होगी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें उसमें हो तो अभी के लिए इतना मिलते हैं ठीक है हाँ निकाल सकते हैं ऋषभ रोए है, आप भाई प्रिंट अगर निकालने हैं तो निकाल लो बट इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो आपका खुद का प्रिंटर है तो निकालना बनना यार हाथ से नोट्स बना लो पढ़ते पढ़ते आ, निहारा वाले जो ना मुझे टी जी टी पी लेना है निहारा ले लेना ठीक है तो आप तो आपसे ज़्यादा और भरोसा कौन करेगा आप इतने है ना शुरुआत से आप जुड़े हुए हैं कई साल हो गए आपको तो आपका अगर मन हो तो आप ले लीजिएगा अच्छा लगेगा तो चलिए हाँ ये मेन मकसद बस यही था कि हर घर में एक आस ऐसा हो कि ये किताबें पहुँचें और कम से कम वो लोग मुझे जाने जो आप हैं आपके बच्चे हों देखें कम से कम घर में पड़ी होगी किताब रखी होगी तो देखेंगे लोग है ना मेरा नाम लिखा हुआ तो अच्छा लगेगा मुझे अच्छा लगी है तो अभी के लिए इतना क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपना वेलेबल कमेंट दीजिएगा एक मिनट निकाल के मेरे लिए तो अभी के लिए इतना जय हिंद जय भारत बाय बाय टेक केयर